इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए आज तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने 4 और कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है लोकसभा चुनाव के लिए। ये ऐलान करते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से शिरोमणी अकाली दल छोड़ बीते दिनों ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पवन टीनू को जालंधर से टिकट दिया गया है। सो आपको बता दें जालंधर से पवन टीनू जो है वो उम्मीदवार होंगे, इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं लुधियाना की बात करें तो लुधियाना से अशोक पराशर पप्पी को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही जगदीप सिंह काका बराड़ को फिरोजपुर और अमन शेर सिंह को गुरदासपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। यहां पर आपको ये भी बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी राज्य में 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। वहीं आज और जो बाकी 4 उम्मीदवार थे उनका भी ऐलान कर दिया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से, जिसके चलते अब पंजाब की सभी 13 सीटों से आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। तो अहम खबर है आपके लिए। आपको बता दें कि जालंधर की अगर हम बात करें, जालंधर सीट से लगातार, क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि जब सुशील कुमार रिंकू की ओर से आम आदमी पार्टी को छोड़ भाजपा ज्वाइन की गई, उसके बाद यहां पर जो सीट थी वो खाली हो गई। तो यहां पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे और संभावना जो है वो जताई जा रही थी। बीते दिनों ही शिरोमणी अकाली दल छोड़ी, जिसके बाद लगातार कयास लग रहे थे कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, जिसके बाद आज ऐलान हो चुका है कि जालंधर से पवन टीनू को आम आदमी पार्टी की ओर से मैदान में उतारा गया है। आप भी डालिए इस पूरे लाइव अपडेट पर एक नज़र।